हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 3 शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। इससे पहले मैंने पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के साथ में शेयर किया था। जुलाई 22 के क्वेश्चन पेपर्स हैं ये, और इससे पहले कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, जो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उस पर दोनों पर जाके किसी पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आज का जो हम पेपर शेयर कर रहे हैं पेपर 3, इसका पेपर कोड है 17007, एमएड सेकंड सेमेस्टर का है ये पेपर 3, जुलाई 22 का। करिकुलम स्टडीज़ 3 घंटे का पेपर होता है ये, और टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। इसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, और बाकी की जो यूनिट्स होती हैं उनमें से आपको 1 क्वेश्चन ईच करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए दिए हुए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये 4 मार्क्स ईच हैं आपको, और 4 शॉर्ट नोट्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ। सेकंड दिया हुआ है हमें स्कोप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, पाठ्यक्रम प्रारूप की आवश्यकता। डी है आपका मेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, तो ये प्रशासनिक प्रतिमान के गुण। तो ये 4 आपको शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। इसके बाद आता है यूनिट वन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट आपको एग्जाम्स के लिए आपको टोटल 9 क्वेश्चन अगर एक पेपर में दिए हुए तो आपको 9 की 9 प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, यूनिट 1 का जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है डिस्कस इन डिटेल वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यक्रम बदलाव को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण कीजिए। 16 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की अवधारणा का वर्णन करें, पाठ्यक्रम के कौन कौन से घटक होते हैं, ये भी 16 मार्क्स का है आपका। इसके बाद आता है यूनिट टू में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन इन डिटेल ताबाज मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के ताबा और प्रतिमान का विस्तृत वर्णन कीजिए। 16 मार्क्स का है ये। इसके बाद में आता है यूनिट टू का सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द स्कोप प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो ये भी 16 मार्क्स का है आपका। इसके बाद आता है यूनिट थ्री में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफाइन एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन इन डिटेल, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑल्सो, पाठ्यक्रम के संकलक प्रतिमान का विस्तृत वर्णन करें, इसके गुण एवं दोष भी लिखिए। इसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, यूनिट 2 3rd का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डिज़ाइन, एक्सप्लेन कोर करिकुलम एंड हिडन करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रारूप से आप क्या समझते हैं, मूलभूत पाठ्यक्रम तथा अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी 16 मार्क्स का है। इसके बाद है यूनिट फोर के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट इन डिटेल अबाउट ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के मूल स्तर प्रतिमान के बारे में विस्तार से लिखिए। 16 मार्क्स का है ये। इसके बाद में यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल, पाठ्यक्रम विकास के व्यवस्था विश्लेषण प्रतिमान का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी आपका 16 मार्क्स का है। तो यह आपके टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें पेपर में, आपको 9 की 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग, और यूनिट आपका पेपर 4 भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, और जो प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट पे जाके आप ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।